करके देखो, सिक्कड़ जमे हुए हैं इस तरह करके ना। इधर खारिश किए थी तो जो बच्चे अपनी मामा से सर नहीं ना साफ करवाते, पता ना उनके सर में ऐसी खट्टी सी बुनियाँ आ जाती हैं और फिर वो जाती ही नहीं है। मेरी बेटी तो साफ करवाती है ना, हराम हानी को ना वो नहीं साफ करवाती, हानी तो बिल्कुल ही नहीं करवाती और उसके सर में इतनी बुइयां आ जाती हैं, आपने देखा भी था है ना। मेरी बेटी तो करवाती है ना, मेरे ख्याल में अब्रिश भी नहीं करवाती, मुझे ऐसे लगता है। कर रही हूँ कर रही हूँ। अब्रेश ने भी चूड़ियाँ पहनी हुई थी 14 अगस्त को। हाँ जाना नहीं थे पहनी, वो देख लो जिद कर रही थी अपनी मामा से, मुझे ये लेके दे मुझे वो लेके दे। आप इतनी जिद करती है, अभी वो भी अकेली बयान है, एक ही बेटी है। मम्मा दर्द होती है। अच्छा वो आराम से पकड़ती है, इधर डैंड्रफ है थोड़ी सी। मामा जी जी स्टोरी सुनाए। स्टोरी सुनाओ। हाँ अच्छा एक ना बच्चा आता है तो वो ना अपनी मामा की बात नहीं मानता, हर वक्त से ना इधर आपको खारिश होती है। नहीं नहीं आपको क्या है इधर? मुश्किल है। नहीं पता नहीं क्या है। मामा सुनाए ना। वो हर वक्त ना अपनी मामा को कहता रहता है जाए गंदी मामा जाए गंदी मामा, ऐसे करके ना हर वक्त कहता रहता है। उसके बाबा उसको समझाते हैं बेटा ऐसे नहीं माँ को बोलते, कहते बाबा आप भी गंदे हैं, आप भी मामा के साथ मिल जाते हैं, आपको नहीं पता मेरी मामा बड़ी गंदी है। उसकी मामा को ना बड़ा दुख होता है कि मेरा बेटा मेरे साथ ना इस तरह बदतमीजी करता है। कहती हैं मेरे बेटे ऐसे ना बोला करो, मुझे ना मुझे अच्छा नहीं लगता। कहता मामा मैं क्या करूँ आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या करूँ। तो उसकी मामा कहती हैं बेटा जो माएँ होती हैं ना वो अपनी माएँ होती हैं, कोई किसी के बच्चे को नहीं संभालता। तो कहता नहीं जी ऐसे तो नहीं होता, बड़े लोग मुझे तो मेरी खाला भी बड़ा प्यार करती हैं, मुझे तो मेरी मामी भी बड़ा प्यार करती हैं, मुझे तो मेरी चाची भी बड़ा प्यार करती है। उसकी मामा कहती हैं बेटा ऐसा नहीं है, आप अपनी मामा की केयर किया करो। कहता नहीं मामा मुझे नहीं, अब मैं आपकी केयर करूँगा तो आप कहेंगे कि ये भी काम कर दो वो भी काम कर दो, मैं नहीं करना चाहता। अच्छा आप मेरे से काम करवाना चाहती हैं? तो ना उसकी मामा कहती हैं अच्छा मेरे बेटे आपको अल्लाह ताला हिदायत दे। कुछ दिन गुजरते हैं तो उसकी मामा की ना इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ना जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो घर में काम नहीं होता, घर में इतना ज़्यादा गंद इकट्ठा हो जाता है। उसकी मामा हॉस्पिटल होती हैं तो उसके जो बाबा होते हैं ना उसको उसकी मामी के पास छोड़ आते हैं कि इसको रख लें। तो उसकी मामी शुरू शुरू में तो फिर प्यार करती हैं, फिर बाद में ना उसको डांटती हैं ये ना करो वो ना करो, तो वो ना करो ये ना करो। तो वो कहता है ये तो मामी पहले मुझे बड़ा प्यार करती थी अब तो इतना डांटना शुरू हो गई। कहता मामी मुझे भूख लगी है मुझे खाना बना दें। तो जो खाने में ना वो बनाता जो उसको पसंद नहीं होता सब्ज़ी ना, तो जब उसको पसंद नहीं होता फिर उसकी मामा उसके लिए दूसरी चीज़ बना कर देती थी। उसको याद आया उसकी मामी कहती है चुप करके ना खा लो, खबरदार मेरे से कोई और चीज़ मांगी।
कहता अच्छा, तो ना चुप कर जाता बेचारा। फिर उसके बाद ना वो उसके बाबा कुछ दिन बाद आते हैं हॉस्पिटल से, कहता बाबा मुझे खाला के पास छोड़ रहे हैं। कहते अच्छा मैं खाला के पास छोड़ आता हूँ। और ना उसको खाला के पास छोड़ कहते हैं हाँ। तो खाला भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि खाला के अपने बच्चे भी तो होते हैं ना, तो कोई किसी के बच्चों को ज़्यादा देर तो नहीं ना इतनी देर। और वो आपको पता है वो बदतमीजी भी बड़ी करता है, मैंने ये नहीं करना मैंने वो नहीं करना। तो अपनी माएँ जो होती हैं वो तो बर्दाश्त कर लेती हैं ना, कोई तो नहीं ना करती। तो कहते हैं ये तो खाला भी मेरे साथ ऐसे कह रही है, मुझे डांट रही हैं। तो ना वो ना कहता है क्या? बाबा आते हैं उसके, तो कहता है बाबा मामा की तबीयत नहीं सही। कहते हैं नहीं आपकी मामा की तबीयत पर ना अभी और टाइम लगेगा। कहता अच्छा बाबा आप ऐसा करें मुझे ना वो तो छोड़ रहे हैं चाची की तरह छोड़ा है। उसके बाबा कहते हैं बेटा आप क्या कभी किसी के घर कह रहे कभी? तब बाबा मैं समझता था कि मामी और हाला मेरे से बड़ा प्यार करती हैं, लेकिन वो तो मुझे डांटती हैं। वो कहते हैं बेटा आप डांटने वाले काम ना करो, जो काम वो कहती हैं आप वो काम करो। कहते हैं नहीं मामा बाबा मैंने नहीं ऐसे करना, मैंने आपको कहा ना मैंने नहीं ऐसे करना। तो ना उसके बाबा चुप कर जाते हैं, तो उसको चुप करके ना छोड़ आते हैं हाला अब वो चाची के घर। तो जो चाची होती हैं वो भी ऐसे करती हैं, क्योंकि सबके बच्चे होते हैं, सब ने तो अपने बच्चों को भी तो प्यार करना आता ना। बेचारा बड़ा ना वो परेशान हो जाता, कहता है माँ हर वक्त मेरी हाला भी मेरे साथ ऐसे करती हैं, मेरी मामी मेरी अल्लाह ताला मेरी मामा को फटाफट से ही कर दें, मेरी मामा घर आ जाए, वो तो मेरे इतने नखरे उठाती हैं, मेरे से इतना प्यार करती हैं, तो अल्लाह ताला मैं उनको इतना बुरा करता तो आप मेरी मामा को ना घर भेज दें। हाँ नमाज पढ़ता है तो ना अपनी मामा के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करता है, मामा अल्लाह ताला मेरी मामा को घर भेज दें, अल्लाह ताला मेरी मामा को ना घर भेज दें, अल्लाह ताला मेरी मामा को ना घर भेज दें, मेरा बड़ा दिल कर है अपनी मामा से मिलने को। तो ना फिर हाँ फिर क्या, तो अल्लाह ताला आपको पता ना जब सच्चे दिल से दुआ मांगे ना अल्लाह ताला भी बात सुन लेते हैं। तो ना कुछ दिन बाद ना उसके बाबा आते हैं, तो उसके बाबा कहते हैं आप डॉक्टर ने बोला है कि आपकी मामा की तबीयत ना अब सही होना शुरू हो गई है। कहते हैं वो कहते हैं हाँ उन्होंने कहा है, लेकिन इनको फिर भी ना रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये रेस्ट नहीं करती जिसकी वजह से ना इनके इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। कहते हैं बाबा मामा को घर ले आए, मैं उनकी बहुत ज़्यादा केयर करूँगा, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, मैं उनकी बहुत ज़्यादा बात मानूँगा। उसके बाबा कहते हैं अच्छा। तो कुछ देर बाद छुट्टी हो जाती है, तो वो घर आ जाती हैं, पर वो अपनी मामा को इतने खुश होकर मिलता है, कहता मामा मैं तो आपसे बड़ा उदास हो गया था और मैं आपसे सॉरी भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपका बड़ा दिल दुखाया। उसकी मामा कहती हैं आपको तो एहसास हो गया ना, अब आपको पता चला कि मामा मामा होती है, मैं आपको तब कहती थी कि, कहता हाँ मामा मुझे अब एहसास हो गया, क्योंकि अपने माँ बाप तो हर बात मानते हैं ना, दूसरे जो माँ बाप दूसरे जो होते हैं उन्होंने फिर अपने बच्चों को भी तो देखना होता ना। उसकी मामा कहती हैं हाँ यही तो बात मैं आपको समझा रही थी कि फिर लोगों ने अपने बच्चों को भी तो देखना ना, कोई थोड़ी देर ही प्यार करता है ना, और आप तो इतनी ज़िद्दें भी करते हो, अगर आप गुड बेबी होते तो शायद वो आपको रख भी लेती, लेकिन आप इतनी वो ज़िद्द करते हो, इतना ज़्यादा वो मतलब तंग करते हो। कहता अच्छा मामा मैं ऐसे करता हूँ? वो कहती हैं हाँ आप तो इतनी ज़िद्द करते हो, हम आपके मामा बाबा इधर करो, हम आपके मामा बाबा हैं, हम तंग पड़ जाते हैं तो वो तो फिर मतलब आपकी मामी हैं आपकी चाची हैं आपकी खाला हैं, तो कोई तो नहीं ना बर्दाश्त करता। वो कहता हाँ मामा ये तो आपने सही कहा है। अरे मामा मैं कह रही हूँ बस करने लगी, तो फिर वो सॉरी कर लेता है अपनी मामा से बहुत ज़्यादा। मामा सारे अच्छे अच्छे वाली सुना। एक बच्ची होती है वो बड़ी अच्छी होती है, हर किसी की बात मानती है,
तो सारे उसकी जो मिसालें होते हैं ना, सारे उसकी मिसालें देते हैं कि वो बच्ची कितनी अच्छी है। जैसे ईशा नहीं अच्छी बच्ची, सबकी बात मानती है, तो सारे बड़े खुश होते हैं कि ये ना बच्ची बहुत अच्छी है। सीधी हो गए, टेक ना आना लगाओ बेटा, ऐसे मेरे ऊपर गिर जाती है। तो ना सारे उसकी बहुत ज़्यादा, वो स्टडी में भी बड़ी अच्छी होती है, हमेशा फर्स्ट आती है। तो उसकी टीचर कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छी है, तो ये लेकिन एक बात है, इसकी जो दोस्तें हैं ना वो नहीं अच्छी हैं अभी। तो उसकी दोस्तें सारी बड़ी ना नालायक होती हैं, सारी बड़ी नालायक होती हैं। हाँ। और सारी अपनी घर से लेसन ही याद करके आती हैं और उसी से लेके पढ़ती हैं। तो उसकी टीचर कहती हैं, बेटा मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, जो अच्छे होते हैं ना फ्रेंड्स, वो कभी भी चीटिंग नहीं करते। तो आप कोशिश किया करो कि आप ना अच्छे फ्रेंड्स बनाओ क्लास में। जैसे वो देखो सनिया है, वो भी अच्छी है, वो सेकंड आती है, और रानी है वो भी अच्छी है, वो थर्ड आती है, वो माइजा है वो भी देखो फोर्थ आती है। मतलब जो टॉप टेन में है ना बच्चे, आपकी फ्रेंड्स जो है ना आपसे चीटिंग करके ना, तो वो आगे बढ़ जाएंगी। समटाइम ऐसे होता है कि उनके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे। तो कहती है टीचर को, कहती है टीचर मैं क्या करूँ, मेरे बचपन की फ्रेंड्स हैं तो मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी ना फ्रेंड्स जो है ना वो मेरे साथ हमेशा के लिए रहें। तो कहती हैं वो ठीक है, आपकी फ्रेंड्स आपके साथ हमेशा के लिए रहेंगी, लेकिन मेरी बात सुनो, आपको नहीं पता कि आप एक अच्छी स्टूडेंट हो, अगर आप बैड स्टूडेंट होगी ना तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बैड बनती जाओगी उनकी तरह। कहती है अच्छा ये बात है, चलो मैं टीचर सोचूंगी। तो एक दिन ना वो बैठ के काम कर रही होती है, तो उसकी दोस्त से कहती हैं छोड़ो, हर वक्त पढ़ती रहती हो, पढ़ के कौन सा अफसर बन जाना है, फिर शादी हो जानी। तो कहती हैं नहीं मैंने तो कुछ बनना है। कहती कुछ नहीं होता, चलो चलो छोड़ो छोड़ो, दफ़ा करो ये बात, आओ खेलने के लिए चले। कहती हैं नहीं मुझे पढ़ने दो, मैंने टेस्ट याद करना है। उसकी दोस्त से कहती हैं हम चीटिंग करके लिख लेंगे रानियाँ से या सनिया से। वो कहती है नहीं चीटिंग करना बुरी बात होती है। कहती है आ जाओ छोड़ दो, हम आपकी फ्रेंड, हम आपको इतना कह रहे हैं। कहती है अच्छा, वो ना छोड़ देती है, टेस्ट नहीं याद होता, टीचर टेस्ट लेती है तो उसको चीटिंग भी नहीं करनी आती। तो फिर क्या होता है कि उसके मार्क्स कम आ जाते हैं। रानियाँ और जो सनिया होती हैं ना वो फर्स्ट और सेकेंड थर्ड वो टेस्ट में आती हैं, तो बेचारी बड़ी शर्मिंदा होती है। टीचर कहती है बेटा आपने टेस्ट क्यों नहीं याद किया, तो चुप कर जाती है, क्योंकि अगर वो टीचर को बताती है तो टीचर ने तो मना किया था ना कि आप इस तरह अपनी फ्रेंड्स के साथ ना घुमा करो, तो वो चुप कर जाती है। फिर इसी तरह दूसरा दिन फिर होता है, तो फिर टीचर टेस्ट देती है, तो टीचर कहती है ब्रेक के बाद मैंने आपका टेस्ट लेना है, तो फिर ऐसे ही होता है। तो फिर उसको टेस्ट नहीं याद होता, फिर उसके ज़ीरो मार्क्स आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल ही नहीं करता पढ़ने को ना, तो एम्बेरस तो बड़ा होती है, लेकिन उसकी टीचर उसको कहती भी है कि बेटा आप अच्छी स्टूडेंट हो, आप ऐसे क्यों कर रही हो। लेकिन उसकी जो दोस्त होती है ना वो चाहती है कि ये पढ़े ही ना, ये ज़ीरो हो जाए और हम लोग फर्स्ट आ जाए। नहीं नहीं, क्या हम भी ज़ीरो हैं तो ये भी ज़ीरो रहे, क्योंकि वो तो उससे चीटिंग करके लिखती हैं ना। फिर क्या होता है कि उसके मार्क्स जो है ना बिल्कुल बेचारी के इतने कम आते हैं कि वो ना फर्स्ट आती है, ना सेकंड आती है, ना थर्ड आती है, उसकी बड़ी गंदी पोजीशन आती है। उसकी मामा भी इतनी परेशान होती हैं, उसकी टीचर कहती हैं बेटा मैंने आपको कहा था ना कि उनकी फ्रेंडशिप छोड़ दें। कहती हैं अच्छा टीचर हम लोग ना छोड़ देंगे, हम आइंदा से नहीं करेंगे, मैं इनके साथ नहीं खेलूँगी, इनको फॉलो नहीं करूँगी। तो लेकिन फिर भी वो उसकी जान ही नहीं छोड़ती, वो बड़ी खुश होती हैं कि ये भी हमारे साथ ना नील स्टूडेंट नालायक स्टूडेंट बन गई है। तो फिर क्या होता है कि उसकी टीचर एक दिन ना उसकी दोस्तें नहीं आती, स्कूल छुट्टी भी आती हैं, तो उसकी टीचर कहती हैं बेटा आप मेरी इतनी अच्छी स्टूडेंट हो, मुझे आप अपनी बेटियों की तरह हो, तो आप वैसे ही पढ़ो जैसे पहले पढ़ती थी। कहती है अच्छा टीचर मैं पढ़ती हूँ, तो ना ऐसे करती हैं तो वो दोबारा से ना पढ़ना शुरू हो जाती हैं। फिर वो जब उसकी दोस्तें आती हैं ना, उसकी टीचर जगह चेंज कर देती हैं, तो ब्रेक टाइम सिर्फ वो मिलती है, लेकिन वो टेस्ट याद करना शुरू कर देती हैं।
फिर ये होता है कि वो दोबारा से ना उसके अच्छे मार्क्स आने शुरू हो जाते हैं, अपोजिशन आना शुरू हो जाती है। तो फिर उससे उसने ये लेसन लेती है कि इससे ये लेसन मिलता है कि आपको हमेशा कौन से स्टूडेंट, कौन सी फ्रेंड्स बनानी चाहिए, अच्छी अच्छी कभी गंदी नहीं। सारी ही गंदी है अपनी। आपकी गंदी? हाँ, कट्टी कर देती है। लेकिन वो कुछ अच्छी है। ईमान तो स्टडी में अच्छी है ना, ईमान भी और वो भी क्या उसका नाम तो ईमान अच्छी है। तो हमें क्या करना चाहिए इससे, क्या लेसन? वो बस करें। हाँ चलो जी।